सावन महीने का पहला दिन आज रविवार है, कल सोमवार। श्रावणी मेले की तैयारी इस वक्त पूरी तरह से स्थगित है। डीसी ने निर्देश दिए कि किसी तरह के कार्यक्रम नहीं होंगे, जैसा कि कल मैंने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया भी था। और अभी इस वक्त मैं देवघर के वीआईपी गेट के पास हूं और यहां की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँ, कितने पुलिस बल की तैनाती की गई है। और मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँ कि देखिए पुलिस बल जो है तैनात है, और ये वीआईपी गेट है, इसी से वीआईपी लोगों की एंट्री होती है, लेकिन वो पूरी तरह से अभी बंद है। पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि कोई भी श्रद्धालु अंदर नहीं पहुंच पाए। हालांकि जो झारखंड यानी कि देवघर के जो एंट्रीज और जो एग्जिट पॉइंट है, वहीं पर पुलिस की बैरिकेडिंग लगाई गई है। और इसके बाद ये देखिए, हालांकि दुकानें जो है पूरी तरह से बंद है, और ये साप्ताहिक लॉकडाउन भी है। तो ये बताया जा सकता है, यहाँ की पंडा समाज है, उनसे बात करते हैं। बोलो विनय मिश्रा। आज साप्ताहिक लॉकडाउन भी है। साप्ताहिक लॉकडाउन भी है, और कल से फिर मतलब ये यात्रियों के लिए मतलब बंद है। मंदिर परिवेश पूरा बंद है, पूरा सील कर दिया गया है। लेकिन सरकार को हम लोग के बारे में सोचना चाहिए, सरकार को हम लोग के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग कहाँ से जाएंगे, दो साल से लगभग दो साल हुए हैं, लेकिन दो साल से बंद ही है सारा चीज़। और दुकान भाई से के लिए भी है, तो दुकान भाई के लिए भी सोचना भी पड़ेगा सब कुछ। इसलिए एक दुकानदार हैं, हालांकि ये दुकान खोल के रखे हैं। बताइए आप, हमारी डायरेक्ट हेमंत सरकार से कहना है कि वो अगर देवघर वासी के दुकानदारों के लिए कुछ प्रावधान नहीं करते हैं तो हम लोग सारे दुकानदार वासी भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। हम लोग का प्रावधान बहुत स्थिति खराब हो चुका है। हेमंत सरकार से निवेदन है कि कुछ सारे दुकानदार के लिए कुछ करे, ऐसा हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे एक से दो दिन में। कोविड 19 नहीं गया, लेकिन कुछ गाइडलाइन जो डबल डोज वैक्सीन ले चुका है, कुछ प्रावधान के साथ खोला जा सकता था। उनके पास ये नियम था, क्योंकि 1000 पुलिस कर्मी अगर यहाँ ड्यूटी पे कर सकते हैं तो जरूर है कि 10,000 भक्त के लिए यहाँ पे डबल डोज वैक्सीनेशन या फिर कुछ उनके पास रूल रेगुलेशन कुछ गाइडलाइन के साथ उसको मंदिर खोलना चाहिए था। 1000 पुलिस कर्मी अगर यहाँ के माहौल को संभाल सकते हैं तो जरूर है कि 10,000 वैक्सीनेशन जो डबल डोज ले चुका है उसको यहाँ पे कुछ करना चाहिए और कुछ गाइडलाइन जारी करके उसको खोलना चाहिए मंदिर। और नहीं तो वो कुछ हमारा नाम अजय झा हुआ है, सरकार से नाराजगी है कि डबल डोज जो ले चुके हैं उसके तहत नियम के तहत कुछ श्रद्धालुओं को अंदर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। और फिर मैं वीआईपी गेट की जो तस्वीर है मैं फिर दिखाना चाहूँ कि देखिए ये वीआईपी गेट है, यहाँ से अंदर जो है ये आम लोगों को जो है जाना वर्जित है। हालांकि तस्वीरें जो है आप देख पा रहे हैं, पुलिस की तैनाती है और किसी भी तरह की जो है एंट्री पूरी तरह से मनाही है। देवघर से लगातार रोटीन के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।